नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्रेशर्स कैंप में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक TCS NQT से आने वाले नोटिफिकेशन मेल के बारे में है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि TCS का जो NQT टेस्ट हुआ था 2021 का, वो फरवरी में हो चुका है और उसके रिगार्डिंग कुछ मेल्स आने शुरू हो गए हैं सिलेक्टेड बच्चों को। ये उन्हीं बच्चों को मेल्स आएंगे जिन्हें वो फर्दर प्रोसेस के लिए सिलेक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा एक बार फिर से शायद मई में आपका पेपर होने वाला है TCS का, तो वो आपको देना है कि नहीं देना है ये टोटली डिपेंड करेगा कि अगर आपको सिलेक्शन का फर्दर प्रोसेस का मेल आता है कि नहीं। अगर आपको आ जाता है तो आप डेफिनेटली कंटिन्यू करिए अपनी प्रोसेस के साथ और अपने इंटरव्यू और आगे के प्रोसीजर के साथ। पर अगर आपका नहीं आता है सिलेक्शन प्रोसेस का मेल, मतलब आप कुछ नंबरों से चूक गए हैं और आप अगली बार पेपर में जरूर अपीयर कर सकते हैं। अब इससे रिगार्डिंग जो मेल आ रहा है उन सिलेक्टेड बच्चों को, उसके बारे में हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो दर्शकों, अगर आप TCS के द्वारा इस प्रोसेस में सिलेक्ट हो जाते हैं और अगर आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें आप पास कर लेते हैं, तो इस तरह का कुछ आपको मेल आएगा अपने आपके गूगल पे, जिसमें आपको इस तरह की सारी डिटेल्स लिखी रहेंगी। इसमें वो स्पेसिफिकली लिखेंगे कि आप फरवरी 2021 NQT परफॉर्मेंस टेस्ट में प्रोसेस में पास हो चुके हैं और इसके फर्दर प्रोसेस के लिए आपको ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें लिखा हुआ है कि वी शैल बी स्टार्टिंग द इंटरव्यू प्रोसेस दिस वीक। मतलब आपसे बता रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस वीक से उनका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर आप इसमें प्रोसीड करना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसमें फर्दर प्रोसेस के लिए रेडी हैं, तो आप उनको एक रिवर्स मेल भेजेंगे कि हाँ आई एम रेडी। और अगर आप नॉट इंटरेस्टेड हैं या आपकी कहीं और नौकरी लग गई है या इस बीच में कुछ और सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आ चुके हैं, तो आप उन्हें प्लीज इसका रिप्लाई जरूर भेजें कि नो आई एम नॉट एलिजिबल राइट नाउ, या फिर मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा, ताकि वो आपको अपनी फर्दर प्रोसेस से हटा दे। ये बहुत जरूरी है कि आप उनको रिवर्स करें, क्योंकि एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी बिल्ट अप करता है। और अगर आप अभी के प्रोसेस के लिए नहीं सिलेक्ट होते हैं तो आप दूसरा कोई जो पेपर अगला आने वाला है मई में, उसके बारे में आप जरूर देख सकते हैं और उसके लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस मेल में उन्होंने इससे जुड़ी और भी जानकारियां लिखी हुई हैं, जैसे आपका एनुअल CTC कितना रहेगा। इन्होंने यह साफ मेंशन किया है कि 3.6 लाख पर एनम का आपका एनुअल CTC रहेगा। और साथ ही साथ आपकी ज्वाइनिंग लोकेशन भी उन्होंने लिखी है, पैन इंडिया। ये मेल जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और भी दर्शाता हुआ है। इसमें इन्होंने लिखा है खासकर, दिस मेल इज टू एम्फसाइज दैट ओनली स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल एज पर द TCS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू प्रोसेस। मतलब अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं तभी आप इसके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए प्रोसीड करें, अदरवाइज आप मत करें। प्लीज बी इन्फॉर्म दैट TCS वुड बी इन ऑल इट्स राइट्स टू रिवोक द ऑफिशियल सिलेक्शन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी टू anyone who is found not eligible as per the TCS eligibility criteria। उन्होंने एक खास लिखा है कि अगर आप खुद से इसमें अप्लाई कर देते हैं और अगर आप उनके क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं करते हैं, तो उनके पास ये पूरा राइट रहेगा कि वो आपको मिड ऑफ द इंटरव्यू से हटा दें और आपको रिजेक्ट कर दें। उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इस मेल में आपको नीचे लिखे हुए मिल जाएंगे, जैसे कि आपका मिनिमम एग्रीगेट कितना होना चाहिए, आपके सारे सर्टिफिकेट्स कैसे होने चाहिए, साथ ही साथ आपका बैकलॉग वगैरह नहीं होना चाहिए, जो कि हमने पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस में देखा था जब हम फॉर्म भर रहे थे। तो वही सेम टू सेम क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किए हैं। इस तरह का जब मेल आपको आ जाएगा, इसका मतलब उनके एग्जाम को पास कर चुके हैं और फर्दर प्रोसेस के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें अगला पेपर कब होगा, कैसे होगा और उसको आपको देना है कि नहीं देना है, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप इस प्रोसेस में सिलेक्ट होते हैं कि नहीं। इसलिए कुछ दिन का इंतजार करिए और अपना मेल बॉक्स जरूर चेक करते रहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।